कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, क्या रॉकी बन पाएंगे सबसे अमीर आदमी? क्या केजीएफ 2 में होगा रॉकी वर्सेस गवर्नमेंट? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अगर किसी बात को माना जाता है तो वो है कसम। एक कसम जो किसी कहानी को कैसे मोड़ पर ले जाए ये आप भी नहीं सोच सकते और ना ही दोस्तों हम। अब आप ही देख लीजिए, सलमान खान ने बजरंगी भाईजान में मुन्नी को वादा किया था कि उसे पाकिस्तान छोड़ने जाएंगे तो उसको पाकिस्तान छोड़ने गए और दोस्तों हमें मिल गई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। शाहरुख खान और सलमान खान के ऑन स्क्रीन मां ने कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और देख ले दोस्तों वो आए भी और साथ ही दे दिए एक ऐसी फिल्म जिसे जिंदगी भर हम याद रखेंगे। अब बॉलीवुड में जब जब किसी ने किसी को वादा किया है तो दोस्तों हमें मिली है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म और अब लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है केजीएफ 2 में भी। लोगों के दिलों में अपने स्टाइल का थप्पा लगाने वाले केजीएफ 2 के स्टार यश लगता है कि अपना वादा पूरा करने के लिए जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी आने वाले हैं। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म से हर एक को दीवाना बना दिया है। लोगों को बेसब्री से उनकी फिल्म का इंतजार है। दोस्तों केजीएफ 2 के डबिंग कलाकार का कहना है कि केजीएफ 2 फिल्म में रॉकी की माँ और रॉकी को बचाने के लिए सिंगल मदर होते हुए उनके स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। केजीएफ चैप्टर 2 इस बात का गवाह होगा कि कैसे रॉकी की माँ का सपोर्ट रहा रॉकी भाई को किंग मेकर बनने में। दोस्तों ये फिल्म के सबसे अच्छे इमोशनल सीन्स में से एक होगा और फैंस को इस सीक्वेंस को देखने के बाद अपने रुमाल तैयार रखने पड़ जाएंगे। अगर आपने केजीएफ देखी है तो आपको याद ही होगा कि रॉकी का अपनी माँ से वादा था कि वो सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर आदमी बनेगा। जब वो मुंबई आए तो उनका इकलौता फोकस यही था। उन्होंने शेट्टी को एक ऐसे आदमी के रूप में देखा जिसे उनके आसपास के सभी लोग सलाम करते थे। भाई उन्हें शेट्टी की जगह चाहिए थी। जैसे ही वो शेट्टी को नीचे उतारने वाले थे रॉकी की मुलाकात शेट्टी के मालिक एंड्रयूज से हुई और जब दोस्तों एंड्रयूज ने आकर रॉकी को मुंबई को देने की पेशकश की तो रॉकी को एहसास हुआ कि शेट्टी उतना पावरफुल नहीं है। अब केजीएफ 2 में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग सीक्वेंस ये देखने लायक होगा कि क्या रॉकी भाई सबसे पावरफुल और सबसे अमीर आदमी बनते हैं या नहीं। फिल्म के एंड में रॉकी टॉप पर पहुंच जाएगा और पूरे देश को लेने के लिए सरकार से लड़ेगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि रॉकी भाई कर पाएंगे ये सब केजीएफ 2 में हासिल? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूं आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस फिल्म को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मेरी आज की राइटर है सान्या भारद्वाज।